'cause you're out of saving grace. We're at Majnu Ka Tila with Yo. So we have Galvin bro with us, and we have Upasana. Hi. We have Samuel bhai. इसको तो आप देखते रहते हो. So I just realized कि मैं ढंग से अपने व्लॉग्स में लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि ये लोग कौन हैं. आप जिस प्राणी को अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है गैल्जिन एंड ये मेरे फूफू का लड़का है. सो फूफू का मतलब होता है हिंदी में बुआ. एंड जिस लड़की को आप इसमें देख रहे हैं, ये मेरी बहन है, ये भी मेरी फूफू की लड़की है. जो सैमुअल को आप साइड पे देख रहे हैं, ये भी फूफू का लड़का है. तो आई नो यू मस्ट बी कंफ्यूज कि मेरे कितने फूफू है. इवन आई ऑल्सो डोंट नो मेरे कितने फूफू है. बचपन से लेके अब तक आई एम नॉट एबल टू काउंट कि मेरे कितने फूफू है. सो लेट्स कंटिन्यू. तो हम सब के पेरेंट्स बचपन में मिलते थे वीकेंड्स पे. तो हम सभी बच्चे लोग थे एंड हम सब मिल के खेलते थे, मस्ती करते थे. सो एज टाइम वेंट ऑन ये सब बंद हो गया एंड वी डिसाइडेड कि अब तो हम बड़े हो गए, सो हमें भी मिलना चाहिए अपने पेरेंट्स की तरह. सो हमने डिसाइड किया कजन्स डे आउट करने वाले हैं, कि हम मजनू का टीला में जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर मस्ती करेंगे एंड वी विल हैव अ गुड टाइम. ज़्यादा शुगर मत लो. So we're at this restaurant. So Samuel, like, tell us something about it. The food is very good here. सो रुकावट के लिए खेद है, सैमुअल के चड्डी में छेद है. दैट रेस्टोरेंट वॉज नॉट दैट ग्रेट. सो ये रेस्टोरेंट ही रिकमेंडेड दैट, बट एक्चुअली इफ आई हैव टू से खाना अच्छा नहीं था. आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट्स नेम, बट फूड वॉज इन दैट ग्रेट. This is my cold coffee, and this is her cold coffee, and this is his beer, and this is his cold coffee. हमने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी. कोल्ड कॉफ़ी वॉज बहुत कड़वा था. फिर मैंने ऑर्डर किया ओरियो शेक. वो इतना ज़्यादा मीठा था कि मैं उसको कम्प्लीटली पी भी नहीं पाया, आधा मैंने फेंक दिया. You're out of saving grace. When the world can't help. So आज हम हैं मजनू का टीला में with Galzi bro. आज इसके लिए हम घरवाली ढूंढ रहे हैं. So if you're watching this, TV10 बोरी चलता. I do not want anyone. झूठ बोल रहा लड़का. अंदर से सामने सच बोलूँगा क्या? अंदर से तो खुश हो गए ये, है ना. गैल्जी ब्रो, यहाँ के ऐसे नहीं लग रहा घर पहुँच गए हैं. वैसे है ना फीलिंग आ रही है. हाँ, कोई लुक्स नहीं दे रहा. वही तो ऐसा लग रहा है होम टाउन पे हैं हम. वहाँ इन दोनों से भी तो कुछ
ये दोनों अपने बिजी yes. यहाँ कैसे नहीं लग रहा हम अपने होम टाउन पहुँच गए yes. It feels so home. अरे चौथी लड़के से तो क्या ये हमारा भाई है भाई है हमारा हमारा ऐसा कौनटा तो उसके बाद हम गए मजनू का टीला के एक फेमस पार्क पे और अभी अभी मुझे पता चला कि तो जो झंडे लगे हुए होते हैं उस पे टिबेटियन लोगों का पेड़ लिखा होता है और उसे नेपाली में तो लुंगदर कहते हैं तो हमारी माता जी का कहना है ऐसा तो उसके बाद हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे मेरे शक्तियों का गलत उपयोग हुआ तो आप भी देखिए क्या हुआ तो मैंने ट्राई किया कि थोड़ा व्लॉग करूं लेकिन इतना व्लॉग नहीं किया क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एंजॉय दैट मोमेंट हमने बहुत सारी मस्ती की बहुत सारे मजा हे यो हेडफोन्स सो हम जो मजनू का टीला गए थे कजन्स लोग तो कैसा लगा था वहां पे जाके It was a very good experience because as I've told you all that the time was very exasperating for me. Achcha. My mind was going on a very bad situation. So after that when we went to that place it really refreshed my mind. I felt so good. So it was a good experience. The food was good. Actually the ambience that we created there was very good. बट फ्रेंकली सेइंग वो जो रेस्टोरेंट तूने रिकमेंड किया था इट वॉजन्ट दैट ग्रेट फूड इतना अच्छा नहीं था लेकिन हमने जैसा तूने कहा एम्बियंस हमने बना दिया नाउ आई एम ट्राइंग टू खाने में इतना अच्छा नहीं था सच में लेकिन जो हमने किया वहाँ पे मतलब जो हमने मस्ती करी आई थिंक दैट वाज इनफ लाइक आई एम सेटिस्फाइड विद दैट हां तो डेढ़ घंटा हम वहाँ पे रहे थे ऑलमोस्ट है ना हमने बहुत खाया हमने तो क्या गैल्जन ने बहुत खाया सो मैं बता रहा था कि उपासना के हमसे बड़े डोले हैं तो इनको मैं ये भी बता रहा था किसी लड़कों ने अब तक उसको नहीं छेड़ा है हाँ क्योंकि वो लड़कों को छेड़ती मैं अपने कजिन्स के बारे में बस ये कहना चाहता हूँ दे आर वेरी गुड पोर कनेक्शन ड्यू कॉलिंग इट ओ जियो भाई लो था लास्ट को लाइन बंद होता फिर कजन्स है ना हाँ कजन्स वाला ओके सो हियर आई गो अगेन आस्किंग माय कजन्स आर एक्सट्रीमली गुड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड टू अच्छा स्पेशली यू एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर ब्लॉग एंड योर चैनल आई वांट यू टू बी द बेस्ट सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर माय कजन्स आल्सो ओके थैंक यू सो मच ठीक है और वन मोर थिंग हम गैल्जन के लिए वाइफ ढूंढ रहे थे हमें नहीं मिली वहाँ पे हाँ गैल्जन के लिए इट्स अ इनसाइडर जोक मैं बता नहीं सकता हाँ उसके लिए हम अंकल ढूंढेंगे हाँ उपासना दीदी के लिए जिम और सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग पे ओके टेक केयर तो इन दोनों ने फोन नहीं उठाया उपासना और ग्यालजन तुम दोनों बचोगे नहीं हो धोखेबाज लोग हमने वहाँ पे बहुत सारी मस्ती की जैसा कि आपने सुना और उसके बाद फिर हम वापस घर की तरफ चले आए सो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इंट्रो नहीं किया है तो अभी करते हैं हाय गाइस माय नेम इज़ जॉन राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक और नया व्लॉग लेके आया हूँ जो आपने अभी आधा देख लिया होगा सो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं आई नो बहुत ही शॉर्ट व्लॉग हुआ है सो आज के लिए इतना ही रखते हैं सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक से याद आया कि आई एम गोइंग टू अपलोड टू वीडियोज़ इन
वीक सो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ जो होने वाला है ट्यूसडे और वेडनेसडे को अपलोड इन दोनों में किसी एक दिन में अपलोड करूँगा एंड सैटरडेज को जैसा कि आप सभी को बहुत पसंद है तो आई एम गोइंग टू अपलोड माई व्लॉग्स सो दिस वीडियो इज कमिंग ऑन दिस सैटरडे जो आप अभी देख रहे हो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड ऐसे ही हम कजन्स डे आउट करके नए नए व्लॉग्स भी लाएंगे सो टेक केयर आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम पीस